इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम इस वाले स्टेप पर आकर अपने ग्रो एप्लीकेशन में रुक जाते हैं, ठीक है। वेरीफाई योर बैंक और यहाँ पर इस तरीके से, तो इसको वेरीफाई हम कैसे करा सकते हैं ये देख लीजिए। यहाँ पर हमें इसको स्टार्ट करने के लिए अपने पैन कार्ड वगैरह नंबर वगैरह सही डालने पड़ेंगे, गलत डालेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। उसके बाद वेरीफाई पर टिक करिए, उसके बाद आपको आपका अकाउंट में कुछ ना कुछ यहाँ पर रहना चाहिए, हाँ UPI या फ़ोनपे वगैरह, ठीक है। UPI अदर UPI होगी तो UPI ID आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल फ़ोनपे से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये बाद यहाँ पर ₹1 चार्ज करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ₹1 तो कम से कम आप रखिएगा ही, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये आपका प्रोसेस हो जाएगा, आप जो है ₹1 यहाँ से कटवा लीजिए अपना कोड डाल कर। आप नहीं ट्राई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई सा भी बैंक वगैरह, लेकिन यहाँ पर आप उसके लिए मैसेज वगैरह होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भी यहाँ पर ज़रूरी रहता है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, ठीक है, सही तरीके से, तो आपकी यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, तो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर IFSC कोड डालकर सर्च करिए अपने बैंक को, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एंटर बैंक अकाउंट नंबर डालिए एंड इसको यहाँ से वेरीफाई कराइए। तो यहाँ से भी आप इसको वेरीफाई करा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको अब समझ में आई हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।